वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ईसीओ 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 20th लेक्चर है। इसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स। लिमिट प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? लिमिट प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि एक फर्म जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद है, वो काफ़ी वक्त से बिजनेस कर रही है, तो जाहिर बात है उसको अंदाज़ा हो गया कि किस तरीके से बिजनेस करना है उस इंडस्ट्री के अंदर। अब जो नई फर्म इंडस्ट्री के अंदर एंटर होती है तो उसको कई सारी हाई कॉस्ट फेस करना पड़ती है, क्योंकि वो नई फर्म है। तो मोनोपोलिस्ट फर्म, जो पुरानी फर्म है उसको मोनोपोलिस्ट फर्म कहा जा रहा है, जो पहले से इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है। उसे पता है इस फैक्ट के बारे में कि उसकी जो कॉस्ट है वो कम है जो फर्म नई आई है उसके मुकाबले में। जो नई फर्म है जाहिर बात है उसको नई ज़्यादा कॉस्ट फेस करना पड़ेगी, तो इसी चीज़ का फ़ायदा होगा जो पुरानी फर्म है जिसको मोनोपोलिस्ट फर्म कहा जाता है। अभी आपके सामने डायग्राम है जो थोड़ी ज़रा काफ़ी मुश्किल सी लगेगी आपको, लेकिन थोड़ा समझने के बाद आपको आसान लगने लगेगी। इसके अंदर फिगर के अंदर ACE दिया गया, एवरेज कॉस्ट कर्व दिया गया है न्यू इंट्रेंट्स के लिए, और एवरेज कॉस्ट कर्व दिया गया है मोनोपोलिस्ट फर्म के लिए। तो जो ये ACE है ये है न्यू इंट्रेंट के लिए कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, और मोनोपोलिस्ट फर्म जो पहले से बैठी हुई है उसके लिए ये है एवरेज कॉस्ट कर्व। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है पहले से बैठी हुई इसकी कॉस्ट कम है, इसका कर्व नीचे आ रहा है, इसकी कॉस्ट कर्व कम है, और जो नया है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो ये इसी बात को यहाँ दिखाया गया कर्व के थ्रू। और जो न्यू एंट्रेंट होगा जारी बात है उसको अब चाहिए कि वो मोनोपोलिस्ट फर्म से कम प्राइस पे बेचे सामान, या उससे उसके जितने प्राइस पे बेचे, वरना कोई उसकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। और मोनोपोलिस्ट फर्म जो पहले से मौजूद है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी अगर वो MC = MR के ऊपर क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी, यानी इस पॉइंट पे अगर वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी जहाँ MC बराबर है MR के, MC जहाँ MR के बराबर है, इस पॉइंट पे अगर वो प्रोड्यूस करेगी तो वो प्रॉफिट जो है वो अपना मैक्सिमाइज कर सकेगी। ये क्वांटिटी होनी चाहिए, और जो इसको प्राइस चार्ज करना चाहिए वो PM करना चाहिए। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इसको प्राइस चार्ज करना चाहिए, यानी ये प्राइस होने चाहिए इसके, और इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी और इतने उसके प्राइस होने चाहिए ताकि वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। लेकिन इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि नई फर्म इंटर ना हो मार्केट में, ज़्यादा बेहतर तो यही है, क्योंकि अगर नई फर्म इंटर हो गई तो वो इससे कम प्राइस चार्ज कर सकती है, वो इतने प्राइस भी चार्ज कर सकती है, और अगर इतने प्राइस उसने चार्ज कर दिए तो ये जो है फिर बड़ा मुश्किल हो सकता है जो पुरानी फर्म है उसके लिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और फर्म इंडस्ट्री के अंदर जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाना। अच्छा, अब जो है वो मोनोपोलिस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है मोनोपोलिस्ट के, मोनोपोलिस्ट करते क्या हैं, यानी कि पब्लिक के लिए क्या क्या नुकसान आ सकते हैं। मोनोपोलिस्ट जो है वो रिड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लो क्वान्टिटी एट हायर प्राइस, कम क्वान्टिटी प्रोड्यूस करते हैं हायर प्राइस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन आप हमारे कंट्री के अंदर कितनी कम होती है जितनी रिक्वायर्ड होती है, इसी वजह से वो और वो इस प्राइस भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो मोनोपोलिस्ट यही करते हैं कि वो लो क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, प्राइस जो है वो हाई चार्ज करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के मुकाबले में, क्योंकि मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं जहाँ पर PE = MC होता है, इसी वजह से भी ये भी एक वजह है। और मोनोपोलिस्ट जो है वो अर्न करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के मुकाबले में, और मोस्ट ऑफ़ द सरप्लस एक्वायर्स टू मोनोपोलिस्ट, बहुत सारा सरप्लस जो वो मोनोपोलिस्ट एक्वायर कर लेते हैं, एंड द मोनोपोलिस्ट डू नॉट पे सफिशिएंट अटेंशन टू इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। मोनोपोलिस्ट इस बात पे भी अटेंशन नहीं देते कि वो एफिशिएंसी बनाएं अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, एफिशिएंसी को बढ़ाएं, यानी कि अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के अंदर जो कंपनीज हैं वो नहीं बढ़ाती प्रोडक्शन को, इसी वजह से लोड शेडिंग होती है, यही वजह है। तो यही सारे नुकसान होते हैं मोनोपोली फर्म के। अच्छा, अभी आपके सामने इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, इक्विलिब्रियम जो है इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली विद द सेम MC कर्व। सेम MC कर्व पे कहाँ होता है ये MC कर्व है आपके सामने, और ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, MR के ऊपर भी इंटरसेक्ट कर रहा है और AR के ऊपर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देख सकते हैं। और AR जो है वो बराबर है D के, यानी डिमांड कर्व के। अच्छा, कुछ फ़ायदे भी होते हैं मोनोपोलिस्ट के, ये नहीं कि सारे नुकसान होते हैं। ये है कि नेचुरल मोनोपोलिस्ट जो है वो फ़ायदेमंद होती है और एफिशिएंट होती है सोसाइटी के लिए। उसके अलावा सुपर नॉर्मल या मोनोपोली प्रॉफिट इन्वेस्ट भी किया जा सकता है, मोनोपोली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसको रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा नई प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी बनाई जा सकती हैं, ईजाद की जा सकती हैं कोई नई तरह की प्रोडक्ट, और सस्टेन किया जा सकता है प्राइस वार व्हेन ब्रेकिंग इनटू न्यू फॉरेन मार्केट के अंदर। अच्छा, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी होती है। अब ये नहीं है कि फर्म जो है वो अपनी तरफ से सारी जो है वो मोनोपोली फर्म सब कुछ प्राइस वगैरह सेट करते हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करने के लिए मोनोपोली को प्राइस जो है वो सेट करती है, जहाँ पर AR कर्व जो है वो MC कर्व जो है वो और AR कर्व इंटरसेक्ट कर रहा होता है MC कर्व को, यानी इस पॉइंट पे ये AR कर्व आ रहा है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, MC कर्व को।
लेकिन बहुत से इकोनॉमिस्ट ये आर्ग्यू करेंगे कि यहाँ पे मोनोपोली को लॉस हो सकता है और ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को सब्सिडी भी देना पड़ सकती है और टैक्स का पैसा भी देना पड़ सकता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो सेट करती है इस पॉइंट के ऊपर प्राइस को, जहाँ पर एसी कर्व जो है वो एआर कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करता है एसी कर्व के ऊपर। ये एआर कर्व जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, और ये एसी कर्व है। तो एसी कर्व को जहाँ इंटरसेक्ट करे वहाँ पे, यानी इससे थोड़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ा के यहाँ कर दी जाएगी। इसमें क्या होगा कि नुकसान भी नहीं होगा फर्म को, मोनोपली फर्म को, और ना कोई गवर्नमेंट को सब्सिडी वगैरह देना पड़ेगी, और ना मोनोपली फर्म अपनी तरफ से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकेगी। जैसे यहाँ पे 12 प्राइस और यहाँ पे 9, तो 9 जो ये प्राइस है ये बिल्कुल जो है वो ऐसी प्राइस होगी कि रेगुलेट प्राइस भी होगी और जो है वो गवर्नमेंट को सब्सिडी वगैरह भी नहीं देना पड़ेगी। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।